Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक मुठभेड़ में घायल बदमाश को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। घायल बदमाश रोशन उर्फ हिमांशु, जो 15 अक्टूबर को शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा की चुंगी निवासी संजय यादव के भाई करण यादव को गोली मारने के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद अस्पताल में वार्डब्याव का काम करने वाले सौरभ यादव और जावेद का नाम सामने आया। जावेद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि सौरभ यादव फरार है। मामले में संजय यादव ने तहरीर दी थी कि उनके भाई करण यादव को 15 अक्टूबर की शाम दौलतपुर गांव निवासी अमन सिंह, रोशन सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने गोली मार दी थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। शुक्रवार की भोर में हरैया के पास पुलिस और रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रोशन के पैर में गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है, उसको कुछ लोग चाटा मार के गाली गलौज कर रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम में और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? रोशन सिंह नाम के एक व्यक्ति को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पर वार्ड बॉय के रूप में कार्य करने वाले दो लड़के, जिनका नाम सौरभ यादव व जावेद है, इनके द्वारा गाली गलौज व मारपीट करी गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 586/24 कायम किया गया है, मारपीट गाली गलौज व ITR का मुकदमा। इसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी जावेद की जा चुकी है और शीघ्र ही जो सौरभ यादव है, इसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी।